सीटेट की अगर हम बात कर रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम हम सबको पता है कि दिसंबर में होना है, जो कि निश्चित है. मतलब लास्ट ईयर जो हुआ था ये हुआ था कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आया था. इस बार इन्होंने नोटिफाई जो है वो जुलाई में ही कर दिया और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है सितंबर तक. लास्ट ईयर सितंबर में ही नोटिफिकेशन आकर के दो चार दिन बाद ही आपके पास फॉर्म फिलिंग की डिटेल्स आ गई थी. इसलिए मैं लास्ट टाइम कह भी रही थी कि जुलाई में जब आया था कि जल्दी आप लोग ये फॉर्म फिलिंग का भी एक नोटिस जारी कर देंगे, जो कि अभी तक नहीं हो पाया. एक और चीज ध्यान में रखिएगा, अभी जैसे एस्टेट का नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने 2 महीने दिए सिर्फ एग्जाम से पहले. नोटिफिकेशन जब दिया है तो 2 महीने बचे हैं, अभी नवंबर में एग्जाम है. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 महीने पहले नोटिफिकेशन देखने को मिले, है ना. वैसे भी 2-2.5 महीना ही बचा है, 2.5 महीना ही है आपके पास, क्योंकि दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के और 1 महीने तक एग्जाम चलता है. ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है आपका सीटेट. ऑफलाइन होने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही कहीं भी, ऐसा दुनिया में किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ आज तक. मतलब इंडिया में अगर देखें या जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कोई एग्जाम ऑनलाइन हो गया हो और बाद में उसको ऑफलाइन कर दिया गया हो. तो एक अफवाह ये भी है कि एग्जाम होने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, फिर से ऑनलाइन एजेंसी नहीं मिल रही है, ये वो CBSE को, दुनिया भर की ऐसी फालतू फालतू बातें, उनसे बच के रहिए. पेपर ऑनलाइन ही होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा. जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे वो हमें नोटिफिकेशन से पता लगेगा. मुश्किल, मतलब आसार लग रहे हैं कि ये लोग चेंजेस अभी कर पाएंगे जिस हिसाब से नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल पा रहे हैं. तो तैयारी कीजिए अपनी उसी हिसाब से जिस हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम इस बार आया था. हम लोग भी उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अब काम करना शुरू कर देंगे.